कभी कभार छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आते हैं और निराशा व्यक्त करते हैं कि हमारी सरकार नहीं रही, सत्ता चली गई। मुझे उनको तो मैं नहीं कहता, मगर आज सब कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि बड़ा दुख होता है। बहुत कम कार्यकर्ता होंगे जो सत्ता जाने से दुखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जब विपक्ष में होता है तभी खिलता है, तभी मुस्कुराता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्षशील कार्यकर्ता है। इसके व्यक्तिगत राजनीति नहीं होती, हमारी आइडियोलॉजी की पार्टी की राजनीति के अंदर रचा बसा रमा हुआ कार्यकर्ता होता है। परंतु मैं आज फिर से एक बार, ढेर सारे नए कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ चढ़ाव उतार देखकर क्षुब्ध हुए कार्यकर्ता होंगे, इसमें आपका दोष नहीं देखता। मैं भी छत्तीसगढ़ यूनिट का कार्यकर्ता होता तो क्षुब्ध हो जाता, क्योंकि जिस प्रकार का विकास का काम छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य के अंदर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, पराजय की अपेक्षा किसी को नहीं हो सकती। मगर हम लोकतंत्र के अंदर हैं, जनता का फैसला ईश्वर का फैसला होता है, उसको स्वीकार कर आगे चलना चाहिए, उस स्पिरिट को हमने करना चाहिए, और इस स्पिरिट ही हमें आगे की लड़ाई का मार्गदर्शन करना है, मार्गदर्शन करता है। मित्रों, आज मैं आपको याद दिलाने आया कि हम वो पार्टी है जिसकी संसद के अंदर 2 सीटें हो गई थी, राजीव गांधी ने हमारा मखौल उड़ाया था, हम दो हमारे दो, हम दो मतलब अटल जी अडवाणी जी दोनों संसद के बाहर थे, हमारे दो मतलब हमारा दो सांसद, पूरा 400 कांग्रेसियों का टोला वहां हंसा था। और आज स्थिति हो गई है कि वो कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक सांसद भी नहीं मिले हैं और हमारी 300 सीट। इसमें से दोनों बातें हमने सीखनी है, जय पराजय दोनों जीवन का हिस्सा है। जब विजय मिलता है तो राजीव गांधी के निवेदन की तरह अहंकारी नहीं होना है, और पराजय आता है तब हताशा में नहीं डूबना है। अगर अटल जी अडवाणी जी कुशाबाऊ हताशा में डूबे होते तो हमारा तो अस्तित्व ही न रहा होता। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के आधार पर, विजय विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है, और अगर हमारा समर्पण सच्चा है, हमने सच्चे मन से सेवाएं करी है, सच्चे मन से विकास को गांव गांव तक जन जन तक पहुंचा है, आदिवासी माँ आदिवासी भाई आदिवासी किसी किसान के घर में खुशियां पहुंचाई है, खुशहाली पहुंचाई है, तो मेरी बात याद रखना मित्रों, भ्रांति टूटते समय नहीं लगता, कोई भी भ्रांति लंबा समय जी नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त, मैं भी यहां था, अलग अलग प्रकार के वादे, लोक लुभावन वादे दिए, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर, ओबीसी बहुल क्षेत्र के अंदर एक बार चुनाव जीत गए, परंतु इसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, और लोकसभा के चुनाव लगभग 9 महीना बाद ही आए थे। कितना समय गया होगा रमन सिंह जी, 8-9 महीना गए होंगे, 6 महीना। कभी 6 महीने में जनादेश बदलते हुए देखा है आपने? 6 महीने में जनादेश नहीं बदलते हैं मित्रों, परंतु 6 महीने में ही कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता पहचान गई, और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ लामबंद हो गया। हमारी सीटों में बढ़ोतरी हुई, और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार यह सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।